आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास और स्टारों से जुड़े कुछ खास हलचल भरी खबरों से, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहली खबर जो सीमा सिंह से जुड़ी हुई है। सीमा सिंह करने जा रही हैं शादी, बनने जा रही हैं सात फेरों के बंधन में। ये बात खुद सीमा सिंह ने अपने फेसबुक वॉल से शेयर की है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक चैनल द्वारा इस खबर को दिखाया गया था, जिसे बड़ी शर्माहट बड़े अंदाज में हाल ही में सीमा सिंह ने अपने फेसबुक वॉल से शेयर किया है। और कमेंट में किसी ने पूछा भी है, क्या सच में? उसका जवाब सीमा सिंह ने हाँ में दिया है। यानी सीमा सिंह शादी तो करने जा रही है, ये बात तय है, लेकिन किसके साथ और कब, इस बात का खुलासा कभी सीमा सिंह ने किया ही नहीं, और ना ही अभी भी उन्होंने ये बताया कि मैं किससे शादी कर रही हूँ और कब कर रही हूँ। सिर्फ इतना बता दिया है कि शादी कर रही हूँ, और वो तमाम मंदिरों में घूमती हुई देखी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने कैप्शन भी डाला था कि भगवान हर जगह है, लेकिन सुकून मंदिर में ही मिलता है। और वैष्णो देवी कहीं किसी मंदिर के तीर्थ धाम वो करती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो मलेशिया के इस अवार्ड शो से जुड़ी है। मलेशिया में भोजपुरी का अवार्ड शो होने जा रहा है, और इस अवार्ड शो में काफ़ी सारे लोग मौजूद होंगे इंडस्ट्री के। अक्षरा हो, खेसारी हो, प्रियंका हो, काजल हो, आम्रपाली हो, जितने लोग हैं सब लोग एक स्टेज शो अवार्ड शो में पहुँचने वाले हैं। यही कुछ खास मौके होते हैं जब दर्शक भी इन सितारों को एक साथ देख पाते हैं। तो इन अवार्ड शो और स्टारों से जुड़ी भी एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो रानी चटर्जी से जुड़ी हुई है। भोजपुरी फिल्मों की क्वीन और आपकी चहेती रानी चटर्जी पड़ गई हैं बीमार। फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। ताजमहल के आसपास वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसका फिल्म का नाम है जीरो बनल हीरो। इस फिल्म की शूटिंग आगरा में चल रही है, आगरा के खूबसूरत लोकेशंस पर चल रही है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ और गर्मी के चलते रानी चटर्जी पड़ गई हैं बीमार, जिसके चलते हाल ही में उन्होंने अपना एक पोस्ट भी अपने फैंस से शेयर किया, जिस पर उनके फैंस ने उनके लिए तमाम दुआएं और आशीर्वाद दिया है। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि रानी कब ठीक होकर वापस अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाती हैं। फिलहाल बीमारी हालत में भी वो शूटिंग कर रही हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो रानी चटर्जी से भी जुड़ी एक खास खबर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर पवन खेसारी काजल से जुड़ी हुई है। पवन और खेसारी दोनों लोकप्रिय स्टार हैं, लेकिन अगर उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कौन है, तो वो हमेशा किसी और स्टार को बताती हुई नजर आती हैं। अब देखा होगा आपने आम्रपाली हो, काजल राघवानी हो या अक्षरा हो, हमेशा तीनों ने अपने इंटरव्यू में बॉलीवुड के सलमान खान, किसी ने अमिताभ बच्चन, किसी ने किसी स्टार का नाम लिया है। लेकिन हाल ही में काजल राघवानी को खेसारी फेवरेट है, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और पवन खेसारी के बीच में हाल ही में फंस गई स्टेज पर काजल राघवानी, क्योंकि पवन और खेसारी दोनों अगल बगल खड़े थे, बीच में काजल राघवानी थी। तीनों के डांस परफॉर्मेंस को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है। तो जो भी खबरें हमने अभी तक आपको बताई हैं, उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों में आइटम डांसर के नाम से मशहूर सीमा सिंह इन दिनों फिल्मों में दिखना थोड़ा कम हुई है, लेकिन चर्चाओं में रहना अभी भी सीमा सिंह के लिए कम नहीं हुआ है। तभी तो इन दिनों सीमा सिंह अपनी शादी की खबरों को लेकर खूब चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल हाल ही में सीमा सिंह ने अपने फेसबुक वॉल से ये खबर साझा की है कि वो जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली है। हालांकि सीमा किससे करने जा रही है शादी और कब करने जा रही है शादी, इसका खुलासा उन्होंने अपने फैंस के साथ नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये खबर सीमा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की, तो सभी ने उनसे यही पूछ लिया कि क्या ये खबर सच है। तो बदले में सीमा ने भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ, शादी की खबरें बिल्कुल सच हैं। लेकिन सीमा जी, जब इतना बता ही दिया है, तो जल्दी से जल्दी ये भी बता दीजिए कि कौन है वो लकी चाम, जिसे आप जैसी खूबसूरत और धर्म आस्था में विश्वास रखने वाली संस्कारी दुल्हनिया मिलने जा रही है।
भोजपुरी फिल्मों का एकमात्र इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2018 की ऑफिशियली घोषणा पहले ही कर दी गई है। 21 जुलाई को ये अवार्ड फंक्शन मलेशिया में किया जा रहा है, जिसका एक नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये पोस्टर अभिनेत्री मधु शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस अवार्ड समारोह में भोजपुरी मेगा स्टार मनोज तिवारी, सुनील शेट्टी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रानी चटर्जी, आम्रपाल दुबे, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, स्वीटी छाबड़क, गुंजन पंत, गुंजन कपूर, विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, मधु शर्मा, मोनालिशा, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, संजय भूषण पटियाला, सीमा सिंह, अवधेश मिश्रा, पायल रोहतगी, शिविका दीवान, श्यामली, शुभी शर्मा, गार्गी पंडित, राकेश मिश्रा, निशा दुबे और राजीव मिश्रा सहित अन्य लोग मुख्य भूमिका में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा में योगदान देने वाले कुछ विशिष्ट अतिथियों को सम्मान भी दिया जाएगा। इस समारोह में मलेशिया सरकार की ओर से भारत के कुछ अतिथि विशिष्ट गेस्ट भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों और टेक्नीशियनों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म सहित कई कैटेगरी अवार्ड दिए जाएंगे। IBFA पहली बार मॉरिशस में किया गया था, उसके बाद इसका आयोजन दुबई और लंदन में भी हो चुका है। जिस तरह से हर साल भोजपुरी फिल्मों की पहुँच देश से बाहर होती जा रही है, ऐसे में ऐतराज नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर बॉलीवुड की तरह ये फिल्म उद्योग भी विदेशी जमीन पर कमाई के नए अवसर तलाश लेंगे। भोजपुरी फिल्मों की क्वीन रानी चटर्जी इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक आपको रानी की कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में देखने को भी मिलेंगी। वेल, फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि रानी जितनी एक्टिव अपनी फिल्मों को लेकर रहती हैं, उतना ही वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। और इतनी सारी टेंशन झेलते झेलते रानी पड़ गई हैं बीमार, और कुछ दिनों के आराम के बाद फिर से रानी शुरू कर देंगी अपनी फिल्म की शूटिंग। वेल, जानकारी के लिए बता दें कि आगरा में रानी अपकमिंग फिल्म जीरो बनल हीरो की शूटिंग कर रही थी, जहां तेज धूप और भीड़ के चलते रानी बीमार पड़ गई हैं। हाल ही में रानी ने ये बात फेसबुक से भी साझा की है, जहां उनके फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की और स्वस्थ रहने की दुआ दी है। इसी से पता चलता है कि रानी को चाहने वाले उनके फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी बहुत ही जल्द एक भोजपुरी फिल्म बलम जी लव यू में नजर आने वाले हैं। हालांकि दोनों इससे पहले भी कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह एक साथ एक गाने में नजर आने वाले हैं, जिसका ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया गया है। साथ ही इन दिनों पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये तीनों एक साथ किसी कार्यक्रम में नजर आए। इसी महीने 2 जुलाई को यूट्यूब पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा अपलोड किए गए इस वीडियो को अब तक 2,00,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में पहले पवन सिंह और खेसारी स्टेज पर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, फिर पवन सिंह काजल को भी स्टेज पर बुलाते हैं और फिर वो खेसारी लाल के साथ मिलकर काजल के लिए गाना भी गाते हैं। वहीं पवन और खेसारी लाल की मस्ती के बीच काजल बहुत ही शांत नजर आई और चुपचाप बस स्माइल देती रही। बता दें कि इन दिनों खेसारी लाल यादव की कई भोजपुरी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। खेसारी लाल की इन फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा दबंग सरकार की है, क्योंकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने जबरदस्त बॉडी बनाई है। दबंग सरकार को भोजपुरी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। तो ये थी आज इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।